सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं आपके लिए नोमेनक्लेचर ऑफ रिंग सिस्टम, जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड यूनिट का ही भाग है। मतलब यहाँ पे हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर IUPAC रूल के अनुसार कैसे करते हैं वो हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है उसके लिए सॉरी, है ना। तो तीन टाइप है इसके नोमेनक्लेचर करने की, हैंड्स विडमान, और दूसरा है कॉमन नेम, और तीसरा है रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर। तीनों अलग अलग हैं। जो हैंड्स विडमान है वो काफ़ी वाइडली यूज किया जाता है, कई बार CSIR ने गेट एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। फर्स्ट है द हैंड्स विडमान नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो इस नोमेनक्लेचर सिस्टम में मेनली हेट्रो एटम जो होता है, जो यहाँ पे जेड से डिनोट किया हुआ है ना, हेट्रो एटम यहाँ पे कोई भी हो सकता है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन इस टाइप से। तो रिंग पहले सबसे पहले तो हम हेट्रो एटम को लेते हैं। रिंग साइज तथा रिंग के नेचर पर आधारित है, यह सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, रिंग का नेचर कैसा है, सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी आइडियल फार्मूला हो सकता है, ये CH2N, यहाँ CH2, जेड, जेड की जगह में क्या होगा, हेट्रो एटम हो सकता है, ठीक है। तो इसका नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं। दरअसल ये मोनोसाइक्लिक कंपाउंड के लिए, जो है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के लिए यूज किया जाता है, 3 से लेके 10 मेंबर वाले रिंग, है ना, 10 मेंबर वाले रिंग के लिए इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे टाइप ऑफ हेट्रो एटम, अगर ऑक्सीजन है तो इसका जो प्रीफिक्स होगा, जो सबसे पहले नाम आएगा वो आएगा ऑक्सा, नाइट्रोजन के लिए एजा, सल्फर के लिए थाया, और फॉस्फोरस के लिए फॉस्फा। तो ये क्या हो गया, हेट्रो एटम का नाम प्रीफिक्स में कैसे लिखा जाता है, वो कहाँ से आया है, यहाँ से आया है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा, ये होता है रिंग साइज का, है ना। रिंग साइज जो है वो 3 मेंबर कम से कम होना चाहिए, 2 मेंबर वाला कोई रिंग नहीं होता। तो 3 मेंबर, 4 से लेकर 10 तक, उसका नाम कैसे कैसे आता है। तो 3 मेंबर को हम ट्राई से जानते हैं, टेट्रा से जानते हैं, है ना, पिंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना और डेका। तो इनके लिए स्पेसिफिक वर्ड यहाँ पे चूज करके रखा हुआ है, यहाँ पे RI से इसको बना दिया है IR। मतलब 3 मेंबर वाला रिंग हुआ तो उसमें हम ईर जोड़ देंगे, 4 वाला में 8 जोड़ेंगे, 5 वाले में ऑल जोड़ेंगे, 6 वाले में इन जोड़ेंगे, 7 वाले में एप जोड़ेंगे, 8 में ओक और 9 में ओन, और डेका 10 वाले में इक जोड़ेंगे, ठीक है। ये क्या हो गया, मिडिल में जो नाम आएगा रिंग साइज का, उसमें यह शब्द यूज किया जाएगा, ठीक है। लास्ट में एंडिंग रिंग साइज डिग्री ऑफ एनसुरेशन अनसेचुरेशन को दिखाता है। लास्ट का जो एंडिंग वर्ड होगा वो रिंग साइज के अनसेचुरेशन को दिखाता है ना, डबल बॉन्ड है या सेचुरेटेड है उसके अनुसार। तो अनसेचुरेशन में तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही आ जाएगा, फर्क यहाँ पे क्या है, अनसेचुरेशन में जनरली डबल बॉन्ड रिंग साइज में होता है, ठीक है, इस वजह से यहाँ पे अनसेचुरेशन को डबल बॉन्ड के नाम पे। जैसे 3 है तो यहाँ पे ईर के साथ में, ईर तो क्या हो गया आपका 3 मेंबर वाले रिंग का नाम हो गया, इसमें जोड़ देंगे ANE, सभी में ANE जोड़ देंगे, ANE, जो यहाँ पे रिंग साइज का नाम था उसमें क्या जोड़ते जाएंगे, ANE। इसी तरह से अनसेचुरेशन में क्या जोड़ेंगे, INE। अब यहाँ पे INE सभी जगह जोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि 4 का नाम इट इन नहीं, इटाइन नहीं होके, 5 का नाम ओलाइन नहीं होके, अब 6 का नाम इनाइन ना होके, केवल इन, ओल और 88 इस तरह से लिखा जाता है। तो ये स्पेसिफिक है जिसको मैंने स्टार किया हुआ है, ये 4 आपको याद करने पड़ेंगे, बाकी में तो आइन जुड़ता ही है। अगर सैचुरेटेड हेट्रो एटम है, सैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, ठीक है, तो वहाँ नाइट्रोजन को इरिडीन, ये तो खैर नाम रिंग से आया 3 का, 8 भी 4 से आया, ओल भी 5 से आया, लेकिन यहाँ पे INE ना जोड़ करके IDINE जोड़ते हैं, ईड जो है बीच में लगाते हैं, ठीक है। ये बन जाता है इडीन, इटिडीन, ओलिडीन, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन के साथ ऐसा केस आता है, बाकी किसी के साथ नहीं आता, ठीक है। इस सिस्टम के अनुसार हेट्रो एटम को प्रीफिक्स के रूप में लिखा जाता है, लेकिन उसका जो लास्ट लेटर है रिंग के नेम में जोड़ने से पहले वो क्या हो जाता है, साइलेंट या हटा दिया जाता है,
ठीक है, यहाँ पे जैसे दिया है ऑक्सा इरेन, ऑक्सा इरेन, इरेन किसके लिए आ रहा है? इरेन तीन नंबर वाला है, हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड के लिए आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हेटरोसाइक्लिक के रूप में क्या जुड़ा है? ऑक्सीजन जुड़ा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑक्सा इरेन ना होके ऑक्सीरेन हो जाएगा। ए को यहाँ से आई के साथ जुड़ने से पहले ये ए को हटा दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रत्येक सफिक्स में रिंग साइज का रूट को तथा अनसेचुरेशन को जोड़ा जाता है। अनसेचुरेशन को जोड़ते हैं, जैसे लास्ट में हमने ए एन ई डाला था या आई एन ई, वो क्या बता रहा था? अनसेचुरेशन को बता रहा था। यहाँ नोट करने वाली इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि सेचुरेटेड सफिक्स केवल कंप्लीटली सेचुरेशन के लिए यूज किया जाता है, और अनसेचुरेशन सफिक्स अल्टरनेट डबल बॉन्ड या कॉन्जुगेशन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन नहीं, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड के लिए अप्लाई होता है। ठीक है, मतलब अल्टरनेट डबल बॉन्ड होना चाहिए उसके लिए अप्लाई होता है। यदि अनसेचुरेशन कम है, मान के चलो एक डबल बॉन्ड गायब है, ठीक है, तो उसके लिए हम डाइहाइड्रो, मतलब दो हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा होगा तो डीहाइड्रो, और चार कम है तो टेट्राहाइड्रो नाम यूज करते हैं, साथ में उसका नंबर भी लिख देते हैं जो आगे आएगा। ठीक है, तो सैचुरेटेड एन हाइड्रो हेट्रोसाइक्लिक के लिए टेबल में जो दिया हुआ है नाम उसको यूज़ किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे हम एजा, यहाँ पे इरिडीन लगाया हुआ है नाम। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन के लिए ऐसा स्पेशल था, बाकी में कहीं पे और इरिडीन नहीं है। ऑक्सा इरिन का क्या हो जाएगा? ऑक्सीरिन। थाइया इरिन का क्या होगा? थाई, यहाँ पे देखो डबल आई है, ठीक है, थाइया में एक आई है, उसके बाद में आयरीन, थायरीन, एजा, एजी, रिडीन, इरिडीन की जगह पे आई ए हटा दिए तो क्या हो गया? एजी रिडीन। ठीक है, इस तरह से ऑक्सा ओलोन, पांच मेंबर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ओल एन। अब चूंकि क्या है ये सेचुरेटेड है, तो ऑक्सा ओलेन, ऑक्सेलेन, ऑक्सोलेन, थाया ओलेन क्या हो जाएगा? थायोलेन, एजा ओलिडीन लगता है नाइट्रोजन वाले में, डीन लगता है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एजो लिडीन, एजो लिडीन इसका नामकरण हो जाएगा। ये आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के रूल के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे कुछ और नाम, जैसे छः मेंबर में क्या डालते हैं? इन, छः मेंबर वाला हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में क्या डालते हैं? इन, तो यहाँ पे एन डालेंगे, यहाँ पे आयन डालेंगे, क्यों? क्योंकि ये सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एजा इनेन, छह मेंबर वाला है तो इसको ए को हटा के क्या बना देंगे? एजी नेन, ये क्या हो जाएगा? एजाइन। ठीक है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड यहाँ पे है। जब रिंग के किसी पोजीशन में सब्स्टिट्यूएंट लगे हों तो हेट्रो एटम को फर्स्ट पोजीशन माना जाता है, एक से अधिक सब्स्टिट्यूएंट हो तो अल्फाबेटिकली नेम पहले आता है। ठीक है, नंबरिंग भी पहले आएगी, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को हमेशा क्या मानेंगे? वन, और चूंकि इधर सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं तो इधर इधर इसको टू लेंगे, इसको टू नहीं लेंगे क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है, तो इधर प्राथमिकता देते हैं टू थ्री। इस टाइप से यहाँ पे वन, इधर सब्स्टिट्यूएंट ब्रोमीन है और यहाँ पे क्या है? मेथिल है, तो बी पहले आता है एम बाद में आता है, तो ब्रोमीन है तो ब्रोमीन क्या हो गया? टू नंबर में आ गया या थ्री आ गया, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? थ्री, ये जो है आपका एक दो तीन कार्बन है, तो ये हो जाएगा प्रोपिल, ऑक्सीरीन, ऑक्सीरीन तो हमने पहले देखा है, यहां पे हो जाएगा टू ब्रोमो थ्री मेथिल, टू ब्रोमो थ्री मेथिल, एजा है, एजा रेडीन, इसका नाम क्या हो जाएगा? एजा रेडीन। ठीक है, तो इस तरह से नोमेनक्लेचर होता है। इसी टाइप से अगर हम यहाँ पे इसका नंबरिंग करना चाहें तो सल्फर में क्या आ जाएगा? वन नंबर। अब दोनों में से किसको दो नंबर दोगे? इधर को देंगे क्योंकि यहाँ सब्स्टिट्यूएंट नजदीक पड़ रहा है, तीन, और ये क्या हो जाएगा? चार, तो ये हो गया टू ब्रोमो फोर एथिल, एथिल, और यहाँ पे देखो सल्फर है इसलिए यहाँ पे लगाया है हमने क्या? थायो, थायो, पांच रिंग है तो क्या हो जाएगा? ओलेन। अब यहाँ पे थायो का, थाया का ए हट गया, ओलेन यहाँ पे बच गया। ठीक है, यहाँ से ए हट गया है, ओलेन यहाँ पे हम क्या लगा दिए? पांच मेंबर वाले रिंग के लिए लगा दिए, सेचुरेटेड के लिए। ठीक है, यदि कंपाउंड में नॉन कम्यूलेटिव, हाँ यहाँ पे मैंने जो पहले कहा था डबल बॉन्ड है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, वहां पे क्या होना चाहिए? कम्युलेटिव डबल बॉन्ड हो तथा उसका, तब जो उसका नामकरण हो पेरेंट कंपाउंड के मोनोसाइक्लिक सिस्टम के रिंग के अनुसार करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या ले लिया? अल्टरनेट डबल बॉन्ड ले लिया है। ठीक
ठीक है, जैसे ये क्या है, ऑक्सीजन INE जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड है, एजीरीन डबल बॉन्ड है, INE जोड़ रहे हैं इसमें, एजीपीन ईप किसके लिए जुड़ते हैं, 7 मेंबर वाले के लिए जुड़ते हैं, तो 7 मेंबर यहाँ पे है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के लिए क्या जोड़ते हैं, ओक, तो ये क्या हो जाएगा, एजोसीन, ये क्या हो जाएगा, एजोसीन, ठीक है। तो इस तरह से नोमेनक्लेचर किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं पार्शियली अनसेचुरेशन होने पर, मतलब कहीं पे डबल बॉन्ड गायब हो गया, तो वहां पे हमने बताया था आपको कि डीहाइड्रो टेट्राहाइड्रो इत्यादि फुल अनसेचुरेशन नेम के साथ लगाया जाता है। फुल अनसेचुरेशन नेम क्या है, एजीपीन है तो फुल अनसेचुरेशन नेम है इसका, ठीक है। अगर यहीं पे हम एक डबल बॉन्ड को हटा दें, वहां पे क्या जोड़ दें, हाइड्रोजन जोड़ दें, तो क्या हो जाएगा, 2 अब 3 पोजिशन में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, डीहाइड्रो एजीपीन, एजीपीन एज इट इज रहेगा। अगर हम यही 4 और 5 पोजीशन के डबल बॉन्ड को हटा दें, यहाँ का डबल बॉन्ड बचा रहे, तो क्या हो जाएगा, 4 5 डीहाइड्रो एजीपीन, ठीक है। 4 हाइड्रोजन हटाते तो क्या हो जाता, टेट्राहाइड्रो, ठीक है, टेट्राहाइड्रो हो जाता। तो इस तरह से इसका एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर अनसेचुरेशन के साथ में sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम लगा हुआ हो तथा सब्सिट्यूटेड हो, तब नंबरिंग का एटम का जो नंबरिंग होगा वो स्टार्ट वहीं से किया जाता है। मतलब जैसे यहाँ पे ये अनसेचुरेशन में है, तब हम नाइट्रोजन को 1 नहीं कहेंगे, तब जो अनसेचुरेटेड सॉरी सेचुरेटेड कार्बन जो होगा, है ना, ये सेचुरेटेड कार्बन है, इसको 1 2 3 4 इस तरह से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 आ जा रहा था इधर से, काउंटिंग करने से ये क्या आ रहा था, 4, तो इधर से काउंटिंग करना सही होगा। लेकिन अगर अनसेचुरेशन इधर भी है, सॉरी अनसेचुरेशन यहाँ से हट गया, जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड अगर यहाँ से हट गया, तो नंबरिंग हम इधर से करेंगे, 1 2 3 4 5, मतलब प्राथमिकता किसको देना है, सेचुरेटेड कार्बन को देना है, ठीक है, सेचुरेटेड कार्बन को देना है, ठीक है जी। तो इसका नाम दोनों चेंज हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या है, 1 एथिल 1 में क्या लगा हुआ है, एथिल ग्रुप लगा हुआ है, 4 पोजिशन में मेथिल ग्रुप लगा हुआ है, और 4 5 डीहाइड्रो एजा एजीपीन, एजीपीन तो है, 7 मेंबर वाला कार्बन है, ईप लगेगा, ठीक है। और ये आयन है एजीपाइन, मतलब अनसेचुरेशन भी है, अनसेचुरेशन, हालांकि यहाँ पे कंप्लीट अनसेचुरेशन का नाम रखे हैं, लेकिन पहले इंडिकेट कर दिए हैं कि कहाँ कहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन जो है जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसी तरह से इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 एथिल 5 मेथिल 1 एथिल 5 मेथिल 2 3 4 5 2 3 4 5, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, टेट्राहाइड्रो एजीपीन, 7 मेंबर वाला है, ये क्या हो जाएगा, एक दो तीन चार पांच छ सात, एक दो तीन चार पांच छ सात, ठीक है, चलो। तो यहां पे नेक्स्ट जो आता है आपका, यदि रिंग में 2 या 2 से अधिक सिमिलर हेटेरो एटम हो, तो प्रीफिक्स में डाई ट्राई इत्यादि जोड़ा जाता है। जैसे कि ये क्या है, 3 नाइट्रोजन यहाँ पे कंटेन किया हुआ है, तो किसी को भी 1 नंबर दे दोगे, तो 1 2 1 3 5 हो जाएगा, 1 2 3 4 5, तो ये 1 3 5 ट्राई एजीन, ट्राई या एजीन, ठीक है, ये नामक्लेचर हो गया। यहाँ पे देखो ये यहाँ बॉन्ड दिख नहीं रहा है ना, यहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, यहाँ पे देखो 3 नाइट्रोजन है, लेकिन पोजीशन इसका कैसा है, अगर हम इसको 1 मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको 1 मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा 4। जनरली हम क्या करेंगे, जो जो सेचुरेटेड है, ठीक है, सेचुरेटेड मतलब हम इसको 1 मानेंगे, ठीक है, 1 ये 2 3 4, तो 1 2 और 4 1 2 और 4 में क्या है, ट्राई एजोल। अब यहाँ पे क्या है, 5 मेंबर रिंग है, तो यहाँ पे एजोल ही आएगा, ठीक है। यदि अलग अलग हेटेरो एटम प्रेजेंट हो, तब इसका प्रायोरिटी कैसा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। सबसे पहले प्राथमिकता हम देते हैं ऑक्सीजन को, सल्फर को, सेलेनियम को, उसके बाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस, फिर कार्बन, ठीक है, कार्बन क्या आ जाता है लास्ट में। तो इस तरह से इसका सीरीज होता है। जैसे एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है, ऑक्सीजन को पहला नंबर देना है, अब यहाँ पे नाइट्रोजन को 2 देंगे या फिर इसको देंगे, तो नाइट्रोजन जो हेटरो एटम है उसको हम 2 नंबर देंगे, यहाँ पे अनसेचुरेशन है, ठीक है। अगर सेचुरेटेड होता तो यहाँ से नंबरिंग चालू होता, ठीक है जी, सेचुरेटेड होता तो यहाँ से नंबरिंग चालू होता,
1, 2, 3 टाइप से ऑक्सीजन को प्राथमिकता देते हुए। तो ये हो गया 1, 2, 3 पोजीशन में क्लोरीन है, 4 पोजीशन में नाइट्रोजन है, 5 पोजीशन में मेथिल ग्रुप है। तो ये हो जाएगा 3 क्लोरो 5 मेथिल 1, 2 और 4 ऑक्सा। ऑक्सा कहाँ पे है, 1 पोजीशन में है। डाई एजा कहाँ है, यहाँ 2 और 5 4 पोजीशन में है। तो ऑक्सा भी है और यहाँ पे डाई एजा भी है। एजोल 5 मेंबर वाला रिंग है तो ये क्या हो जाएगा, ओल। ठीक है, यदि रिंग में अलग अलग हेटरो एटम के साथ में कोई प्रतिस्थापी जुड़ा हो तो नंबरिंग में हेटरो एटम की ओर से नंबरिंग होती तो है। जैसे सल्फर को प्राथमिकता देंगे हम किससे, नाइट्रोजन से पहले सल्फर को प्राथमिकता देंगे। तो सल्फर से 1 होगा, 2, 3 है ना, 4 ये अनसेचुरेशन में है। अगर अनसेचुरेशन में नहीं होता तो इधर से काउंटिंग करते। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 मेथिल 1, 3 थाइया एजा। देखो यहाँ पे थाइया भी है, यहाँ पे एजा भी है। थाइया का भी 8 हट गया, एजा का भी 8 हट गया। तो थाइयो एजोल है ना, थाइयो एजोल। इस तरह से 5 मेंबर वाला रिंग है तो ओल लगेगा। ठीक, अब आते हैं कॉमन नेम की तरफ। कॉमन नेम तो जो नेम है वो आपको याद करना पड़ेगा। जैसे इसका नाम फ्यूरेन है, थायोफिन है ना, पायरोल है, पिरिडीन है, पायरोडाइजीन है। 2 मतलब यहाँ पे क्या है, डाई एजा है इसलिए डाइजीन है ना। इंडोल ये 5 मेंबर वाला है संख्या, तो यहाँ पे ओल लगा हुआ है और इसका नाम होता है इंडोल। क्विनोलिन है, इस तरह से इसका पर्टिकुलर नाम होता है। तो 2 आइडेंटिकल सिस्टम में जब सिंगल बॉन्ड कनेक्टेड हो तो हम यहाँ पे बाई, टर्ट, क्वार्टर इत्यादि लगाते हैं। यहाँ पे क्वार्टर है ना, तो इस तरह से यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा। जैसे दोनों सेम सिस्टम है, ये क्या है, पिरिडीन ही है दोनों, लेकिन यहाँ पे 2 सिस्टम जो है आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और 2 पोजीशन में ही जुड़ा है, नाइट्रोजन से 1, 2, इसका भी नाइट्रोजन से 1, 2। तो ये क्या हो जाएगा, 2, 2 डैश, इधर वाला को 1 डैश 2 डैश ऐसे गिनते हैं, बाईपिरिडीन। यहाँ पे क्या है, थायोफिन है, तीनों थायोफिन है। कौन कौन से पोजीशन में लगा है, यहाँ से काउंटिंग करो, 1, 2 पोजीशन में, इसका 1 और 2 पोजीशन में लगा है यहाँ पे, लेकिन इसको हम 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश कहेंगे। और इधर वाला को क्या करेंगे, सल्फर से काउंटिंग करेंगे, 1 डबल डैश 2 डबल डैश 3 डबल डैश। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1, 2 डैश में बॉन्डिंग है ना, 1, 2 डैश में है, और कहाँ पे बॉन्डिंग है, 4 डैश और 3 डबल डैश में बॉन्डिंग है। तो ये हो जाएगा आपका टर्ट, यहाँ पे टर्ट ये हो गया, और टर्ट यहाँ पे थायो था तो डबल टी हो जाता, एक टी यहाँ पे साइलेंट हो गया है, घट गया है, टर्ट थायो फीन। अब यहाँ पे थायोफिन तो इसका नाम ही है। ठीक है जी, तो इस तरह से अब फ्यूज्ड रिंग का नामकरण के लिए बॉन्ड को अगर हम दर्शाना चाहें तो उसको हम ए बी सी इत्यादि जो अल्फाबेट होता है उससे लेबल किया जाता है। जहाँ हेटरो एटम लगा होता है उस बॉन्ड को हम ए कहते हैं, उससे लगा बॉन्ड को ए कहते हैं। जिधर से काउंटिंग करनी होती है, पहला बॉन्ड क्या कहलाता है, ए, दूसरा बॉन्ड बी। तो यहाँ पे नाइट्रोजन काउंटिंग इधर से करनी है हमको, क्योंकि डबल बॉन्ड इधर लगा हुआ है, इधर डबल बॉन्ड होता है तो इधर से हम काउंटिंग करते। तो ये वाला जो बॉन्ड होगा वो क्या कहलाएगा, ए बॉन्ड, ये वाला कहलाएगा बी बॉन्ड, ये कहलाएगा सी बॉन्ड, डी बॉन्ड, ई बॉन्ड, एफ बॉन्ड। ठीक है, ये तो एग्जांपल किसका है, पिरिडीन का है। इसमें जब कोई ग्रुप आके लगेगा तब ये बॉन्ड का काउंटिंग जो है आपको यूजफुल होगा। ठीक है, वीडियो में कह रहा था ना लंबा हो रहा है। इस प्रकार फ्यूज कंपाउंड का नामकरण आसान हो जाता है, परंतु प्रफिक्स के रूप में फ्यूज्ड रिंग का नाम में ओ एंडिंग के रूप में लगाते हैं। जैसे कि ये बेंजीन है तो यहाँ पे हम क्या लगा दिए, बेंजो। अब यहाँ पे ए और बी, बी बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे बी फ्यूरेन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, बेंजीन लगा हुआ है, सी बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो थायोफिन है ही, तो बेंजो थायोफिन। ठीक है, इस तरह से इसका नॉमेनक्लेचर किया जाता है। नेक्स्ट है हेट्रोसाइक्लिक रिंग में नंबरिंग जब 2 हेट्रो एटम में कंपेयर करें तब सब्स्टिट्यूएंट को प्रीफर किया जाता है। सब्स्टिट्यूएंट क्या होगा, जो प्रतिस्थापी होगा। तो यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन में N1 नंबर आएगा, नाइट्रोजन 2 नंबर आएगा, हेट्रो एटम है। ठीक है, अब 2 नंबर इधर क्यों आया, क्योंकि ये डबल बॉन्ड अभी सैचुरेटेड था इसलिए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर। नंबरिंग कैसे करना है ध्यान देना है आपको। ठीक है, नाम क्या हो जाएगा, 3 एथिल 5 मेथिल और पायरोजोल है ना। ये क्या है, पायरोजोल नॉन, जो सामान्य नाम है उसके अनुसार ये पायरोजोल है ना।
अब जब हेटरो एटम में मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड अलग अलग अरेंज्ड हो तो इसका नॉमनक्लेचर भी अलग अलग टाइप का होता है, जिसे आइसोमेरिज्म में हम कह सकते हैं। यहाँ डबल बॉन्ड था, कभी डबल बॉन्ड यहाँ हो गया, दोनों कंपाउंड सेम है, फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, पर क्या है अनसेचुरेशन जो है वो अलग अलग जगह पे, सेचुरेशन अलग अलग जगह पे। यहाँ पे 2 पोजीशन में सेचुरेशन है, यहाँ पे 4 पोजीशन में सेचुरेशन है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2H पाइरेन, ये क्या हो जाएगा 4H पाइरेन, ठीक है। अब आते हैं लास्ट छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, द रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो नॉर्मल कार्ब साइकिल होता है उसका रिप्लेसमेंट हम ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर इत्यादि से कराते हैं, ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है। जैसे ये क्या था, अगर यहाँ पे कार्बन होता तो ये क्या था, प्रोपेन था, ठीक है। लेकिन प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन, एक कार्बन जो है वो नाइट्रोजन से रिप्लेस हो गया, तो इसको हम एजा साइक्लो प्रोपेन कह देंगे। इसी तरह से ये क्या था, ब्यूटेन था, ब्यूटेन में एक कार्बन जो है नाइट्रोजन से रिप्लेस हो गया है, तो इसको कह देंगे एजा साइक्लो ब्यूटेन, ठीक है। इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, ऑक्जा साइक्लो प्रोपेन, ऑक्सीजन से रिप्लेस है, सल्फर से रिप्लेस है, तो थायोसाइक्लो प्रोपेन, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा था, चैनल बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपके लिए कंप्लीट सेमेस्टर का कंप्लीट जो है आपका हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर था। तो चैनल बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।